हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारत और विश्व की प्रमुख झीलें। तो यहाँ पे हम इनसे रिलेटेड प्रश्न डिस्कस करेंगे। और आपने इससे पहले बहुत जगह पे झीलों के बारे में पढ़ा होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपने झीलों के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं हो। बहुत जगह से आप लोगों ने झीलों के बारे में पढ़ा होगा, आपको ये भी पता होगा कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो जो वो उस तरह के प्रश्न होंगे उसको आप टेस्ट की तरह लीजिएगा। और बाकी जो अन्य प्रश्न होंगे, जो कुछ नए प्रश्न हैं, आपको मैं सिखाऊंगा कि कौन सी झील किसके साथ बॉर्डर टच करती है, ऐसे करके प्रश्न यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो एंजॉय करिए वीडियो को। और यहाँ पे हम लगभग 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, याद रखिए। और ये भूगोल का हमारा दूसरा वीडियो है, इस पर अगर आप अच्छा रिस्पांस दिखाते हैं तो हम और आगे भी वीडियोज लाते रहेंगे। इससे पहले हम एक और वीडियोज अपलोड कर चुके हैं भूगोल से रिलेटेड, तो आप उसे देखना ना भूलिए। चलिए अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले हम कन्फ्यूजन अपना दूर करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं कि इसमें मान लो एक पॉन्ड है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में तालाब कहते हैं, एक होता है झील जिसे इंग्लिश में लेक कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो तालाब है और झील है दोनों का जो आकृति एक जैसी होती है। कैसे? जैसे कि तालाब हो गया, जैसे मान लो तालाब भी चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, याद रखिएगा पानी का वो भाग जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो उसे हम तालाब भी कहते हैं और झील भी कहते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? तालाब जो है इसका आकार बहुत छोटा होता है झील के मुकाबले। अगर झील की बात करें तो झील का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा होता है, और जो तालाब है इसकी गहराई बहुत कम होती है, और जो झील है इसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है। और एक और डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो तालाब है यहाँ पे सूरज की रोशनी नीचे घुस जाती है, मतलब सतह तक इसकी जा सकती है नीचे तक, लेकिन जो लेक है यानी झील यहाँ पे सूरज की रोशनी जो है नीचे नहीं घुसती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों पॉन्ड और तालाब में, सॉरी पॉन्ड और झील में। तो इसे आप याद रखिएगा और इसी के द्वारा हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने समझ लिया इसे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे काफ़ी कन्फ्यूजन हमेशा आते रहते दिमाग में, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके दिमाग में आता है ऐसा कन्फ्यूजन। मेरे दिमाग में भी कभी आया करता था, अभी आपके दिमाग में भी होगा, बहुत लोगों को ये बात पता भी होगी। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और एक और यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं तालाब और झील में अंतर क्या है। तो देखिए, देखा जाए तो तालाब और झील में अंतर जानना काफ़ी कठिन है, दोनों एक समान ही लगते हैं। ऐसा दिखाई पड़ता है कि तालाब छोटा है और झील बड़ी होती है, पर यकीन मानिए ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि जो लिमरोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो ताज़े पानी पर अध्ययन करते हैं, उनके हिसाब से तालाब और झील में कुछ मुख्य अंतर होते हैं। उनके अनुसार तालाब उसे कहते हैं जिसका पानी उतना उथला होता है कि सूरज की रोशनी उसकी पूरी गहराई तक पहुंच सकती है, एंड इसकी वजह से तालाब के अंदर पौधे उग जाते हैं। झील इतनी ज़्यादा गहरी होती है कि पौधे उसके अंदर नहीं उगते। दूसरा अंतर यह है कि तालाब की लहरें 1 फीट प्रति सेंटीमीटर से छोटी होती है, जबकि झील की लहरें ज़्यादा बड़ी होती है। तीसरा अंतर यह है कि एक तालाब का तापमान उसके पूरी सतह पर सामान्य ही रहता है, जबकि एक झील का तापमान उसकी पूरी सतह पर सामान्य नहीं रहता है। तो ये कुछ डिफरेंस है तालाब और झील के बारे में, इसे एक बार आप खुद से जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, और यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। एक है कैस्पियन सागर, आपने बहुत नाम सुना हो, जो कि विश्व का सबसे बड़ा झील है, तो इसे हम सागर बोलते हैं, लेकिन ये झील है ऐसा क्यों होता है? और मान लो एक रेड सी है, देखिए यहाँ पे इसका नाम भी है रेड सी, हम इसे कहते हैं, और ये सागर है, लेकिन कैस्पियन सी हम इसे बोलते हैं, लेकिन ये झील क्यों है? ऐसा कन्फ्यूजन होता है बहुत बच्चों के दिमाग में। तो एक बात सुन लीजिए आप, जो सी होता है हम सी उसे ही कहते हैं जो तीन तरफ से मान लो भूमि से घिरा हुआ है, यहाँ पर रेड सी देखिए तीनों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, लेकिन इसका एक मुहाना जो है महासागर को टच होना चाहिए, समझे? जैसे मान लो हम रेड सी में, मैं और आप एक नाव में बैठ गए और दोनों नाव से सफ़र कर रहे हैं, मान लो अभी हम रेड सी में, ठीक है, यहाँ पर रेड सी में है, यहाँ से हम आएंगे गल्फ ऑफ एडन में और यहाँ पर नीचे हम इंडियन ओशन में आ जाएंगे, तो समझो कि जो रेड सी का जो एक्सेस है एक महासागर में, इंडियन ओशन में है, तो इसे हम सागर कहते हैं, ठीक है। सागर का अच्छा डिफिनेशन यही है कि इसका एक मुहाना महासागर में जुड़ा होना चाहिए, तो रेड सी उस तरह का है। लेकिन कैस्पियन सी की अगर बात करिए तो यहाँ पर देखिए कैस्पियन सी है ये, और ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, और इसका कोई जो मुहाना है ये कहीं समुद्र में नहीं लग रहा है या महासागर में, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। अगर हम नाव से अगर कैस्पियन सागर में हैं तो यहाँ से हम कहीं निकल के नहीं आ जाएंगे, मान लो यहाँ पे ब्लैक सी है तो ब्लैक सी में नहीं आ पाएंगे, ब्लैक सी में अगर हम हैं तो यहाँ से हम मेडिटेरेनियन सी में जा सकेंगे, क्योंकि ये सागर है, ये झील नहीं है ब्लैक सी। लेकिन अगर आप कैस्पियन सागर में नाव लेकर तैर रहे हैं या नाव लेकर घूम रहे हैं तो आप कैस्पियन सागर में रहोगे, ये मत समझना कि यहाँ से हम अरेबियन ओशन में आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन में आ जाएंगे या अरेबियन सी में आ जाएंगे या ब्लैक सी में चल जाएंगे। इसलिए हम कैस्पियन सी को
झील बोलते हैं क्योंकि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है और रेड सी को देख सकते हैं। इसका एक जो मुहाना है इंडियन ओशन में आके मिलता है और इधर आगे जाके मेडिटेरेनियन सीज होते होते नॉर्थ अटलांटिक ओशन में भी हम जा सकते हैं रेड सी से सफर करते हुए। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। आगे प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा वीडियो को लाइक कर दे चलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके कन्फ्यूजन कुछ हद तक सही हो गए हैं। आगे देखते हैं आपके लिए यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि अरल सागर किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि जो अरल सागर है ये कौन से ऐसे दो देश उनके मध्य है, मध्य में स्थित है या उनके बॉर्डर पे स्थित है। तो आपके ऑप्शन से रूस और चीन, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसका सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, तुरंत मैं इसका सही उत्तर आपको बता दूंगा। तो अरल सागर जो है एक कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य है, याद रखिएगा सही उत्तर हो गया थर्ड, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य है अरल सागर। यहाँ पे देखिए है कजाकिस्तान जो कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है और यहाँ पे नीचे उज्बेकिस्तान है और इन दोनों के मध्य में यहाँ पे अरल सागर है, यहाँ देख सकते हैं अरल सागर। और ये भी देखिए चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है इसीलिए इसका नाम अरल सी है लेकिन इसे हम झील मानते हैं, याद रखिएगा नाम क्या है अरल सागर लेकिन इसे हम झील मानते हैं, याद रखिए। आगे देखते हैं आपके लिए अन्य कुछ प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न काफी शानदार है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो झीलों की जो पढ़ाई करते हैं, झीलों के ऊपर जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो इसे कहते हैं हम लिम्नोलॉजी, याद रखिएगा जो भी हम इनलैंड वाटर के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। ऑरोलॉजी किसे कहते हैं, तो पहाड़ों के अध्ययन को ऑरोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी कहते हैं हम मृदा के अध्ययन को। और एंथोलॉजी किसे कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को। तो इन सबको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी पुराना प्रश्न है, काफी लोगों को पता भी होगा। इनमें से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो हजार झीलों की भूमि अर्थात मतलब यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, तो कौन सा ऐसा देश है। तो इस देश का नाम है फिनलैंड, याद रखिएगा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड काफी न्यूज में था क्यों, क्योंकि जो सना मारिन है यहाँ की नई प्रधानमंत्री बनी है और ये विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री है इसलिए काफी न्यूज में है। तो फिनलैंड को हम कहते हैं हजारों झीलों की भूमि। और इसी तरह का राजस्थान में एक उदयपुर हमारा शहर है जिसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है यहाँ पे पहले मैप देख लीजिए, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है और इंडिया से अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो यहाँ पे आपको फिनलैंड मिलेगा, फिनलैंड बगल में स्वीडन है, यहाँ पे रसिया है, इन सबको याद रखिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप तो आप सबको पता होगा और भूमध्य रेखा के बारे में भी पता होगा जो धरती को बीचों बीच बांटती है। तो पूछा जा रहा है भूमध्य रेखा पर कौन सा झील स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। तो इस झील का नाम है विक्टोरिया झील, याद रखिएगा, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है। आगे हम देखेंगे मैप की मदद से, यहाँ पर देखिए ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको पता होगा जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर देखिए ये है इक्वेटर जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है इसे हम इक्वेटर कहते हैं, यहाँ पर देखिए इक्वेटर है और यहाँ पे विक्टोरिया झील, इसके बीचों बीच इक्वेटर पार हो रही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कुछ अफ्रीका के महत्वपूर्ण झीलें जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कुछ जो बड़ी बड़ी झीलें उनको हम देख लेते हैं। तो एक तो है लेक न्यासा, यहाँ पे याद रखिए लेक न्यासा का नाम। एक है लेक टंगाइका, लेक टंगाइका है ये, और लेक टंगाइका जो है ये विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील, यानी लंबा सा है ये, ऐसा नहीं कि बहुत चौड़ा है बहुत बड़ा है ऐसा कुछ नहीं है, लंबे झील की बात हो रही है यहाँ पे, इसकी लंबाई काफ़ी अच्छी है इसीलिए इसे विश्व का सबसे लंबी मीठे पानी का झील माना जाता है क्योंकि विश्व में सबसे लंबी झील है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पे लेक विक्टोरिया है, ये लेक टुड़काना, यहाँ पे लेक अल्बर्ट देख सकते हैं और यहाँ पे लेक चड। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जो झील है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नहीं है। तो इन सभी झीलों का नाम अगर आपको पता होगा तो आप आराम से उस प्रश्न का सही उत्तर बता देंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न है इनमें से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। तो कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा नहीं लगती है कैस्पियन सागर से, ये पूछा जा रहा है। काफी इजी प्रश्न है, अगर आपको मैप पे थोड़ी सी भी पकड़ होगी तो इसका उत्तर आप आराम से बता देंगे। इसका सही उत्तर है इराक, याद रखिएगा इराक की सीमा जो है कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। कैस्पियन सागर के बारे में महत्वपूर्ण बातें, कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, एक बात तो आप याद रखिए, और ये विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, याद रखिए जो कैस्पियन सागर जो झील है यहाँ का पानी जो है खारा है इसीलिए।
ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं मैप, यहाँ पे देखिए ये है कैस्पियन सागर जिसे विश्व का सबसे बड़ा झील माना जाता है। तो इसको देख सकते हैं कौन कौन देशों के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। यहाँ पे लगती है कजाकिस्तान के साथ, ये तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे ईरान के साथ लगती है, यहाँ पे अजरबैजान के साथ लगती है, और यहाँ पे आता है रसिया, ये रसिया का भाग याद रखिएगा, रसिया की सीमा लगती है कैस्पियन सी से। और एक और प्रश्न यहाँ का आपको बता दूँ, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में कौन सा देश स्थित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईरान है, ईरान जो है कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में स्थित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न है इनमें से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। काफी इजी प्रश्न है, बहुत लोगों ने सुना हुआ इसके बारे में, सबसे बड़ी झील पूछी जा रही भारत की। तो भारत की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है, याद रखिएगा। चिल्का झील कहाँ पे, ओडिशा में है, यहाँ पे देखिए उड़ीसा राज्य, यहाँ पे चिल्का झील की लोकेशन है। और सबसे बड़ी भारत की लैगून झील भी है, याद रखिएगा लैगून झील हम किसे कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर आइए, ये देखिए लैगून किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है जो किसी पतली स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा सागर से पूर्णतः अलग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिल्का झील का जो जूम्ड मैप है क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, आपको पता ही होगा, जैसे मान लो बे ऑफ बंगाल है, इसकी पानी जो है जो भूमि के अंदर यहाँ पे आ जाती है, मान लो यहाँ पे भूमि है तो यहाँ पे पानी आ गई अंदर यहाँ पर, और यहाँ पानी जो है यहाँ पर रुक गई। मान लो आपको पता होगा जो समुद्र है वो हमेशा लहरें उत्पन्न करती हैं, तो लहर से जो भी गंदा कचरा या कुछ भी आ सकता है, अवसाद भी आते हैं। तो जो मान लो यहाँ पे झील है ना चिल्का झील, यहाँ पे पानी आ गया, प्रवेश कर गया बे ऑफ बंगाल का, और जो अवसाद है उसके कारण यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ पे झील का निर्माण हो जाता है, याद रखिएगा। और इसे हम लैगून झील कहते हैं, और लैगून झील आपको हमेशा समुद्र के किनारे ही मिलेंगे, और इनका पानी जो है अधिकतम जो होता है खराब पानी होता है, यानी नमकीन पानी होता है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र का पानी प्रवेश करता है, इसलिए इसे हम लैगून झील कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है इनमें से किस देश में सुपीरियर झील स्थित है। तो सुपीरियर झील की बात हो रही है जो कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो कौन से देश में स्थित है ये। तो सुपीरियर झील जो है एक कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे है, याद रखिएगा। तो कुछ भाग जो है कनाडा में, कुछ भाग अमेरिका में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। यहाँ पर देखिए है कनाडा, और यहाँ पर नीचे यूएसए है। यहाँ पर देखिए लेक सुपीरियर, आपको पता होगा यहाँ पे ग्रेट लेक्स है, यानी पांच लेक्स है यहाँ पे। तो ये बॉर्डर देख लीजिए, पहले कनाडा का ऐसे करके बॉर्डर आया हुआ है, यहाँ पे ऐसे करके, इधर ऐसे करके, यहाँ तक बॉर्डर है कनाडा का, याद रखिएगा। तो कुछ झीलें जो हैं कनाडा में भी हैं और अमेरिका में, जैसे लेक सुपीरियर हो गया, लेक हुरोन हो गया, लेक एरी हो गया, और लेक यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या है, लेक ओंटारियो है। तो इन दोनों जो चारों जो झील हैं, ये चारों झील कुछ कनाडा के भाग में भी हैं और कुछ अमेरिका के भाग में ही, याद रखिएगा। सुपीरियर झील का यहाँ पूछा जा रहा है, तो कनाडा और अमेरिका दोनों सही उत्तर हो गया। आगे एक और प्रश्न से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, देखते हैं। यहाँ आप देख लीजिए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है हमारा, और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ग्रेट लेक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ आप देख सकते हैं कनाडा की बॉर्डर ऐसे करके आया हुआ है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर गलत बना दिया, यहाँ तक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है काफी शानदार। यहाँ पे पिछले मैप में मैंने आपको प्रश्न कुछ डिस्कस किए थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न है, लेकिन कुछ चेंज किया गया इसमें। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित पांच झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो पूछा जा रहा है कि अमेरिका के बॉर्डर में मतलब लगभग पांच झील है, तो ऐसा कौन सा झील है जो पूरी तरह से अमेरिका में है। तो यहाँ पर देखिए लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरोन, लेक एरी और लेक ओंटारियो जो है कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे है, लेकिन जो लेक मिशिगन है ये पूरी तरह से अमेरिका में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिशिगन झील, याद रखिएगा मिशिगन झील जो है इन पांचों में से पूरी तरह से अमेरिका में है। तो यही प्रश्न में पूछा जा रहा था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है इनमें से भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जा रही है, यह है वुलर झील, जो कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसमें है। तो वुलर झील का नाम याद रखिएगा। यहाँ आप देखिए जम्मू कश्मीर का मैप, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरा हमारा लद्दाख है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके यहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर है, सॉरी फिर से बनाता हूँ क्योंकि कारगिल भी आ गया था इसमें, कारगिल नहीं है, यहाँ पे ऐसे करके जो है जम्मू कश्मीर है, और बाकी जो ये भाग है ये लद्दाख का है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वुलर लेक है, यहाँ पे वुलर लेक है, तो जम्मू कश्मीर में वुलर लेक हो गया। मैप से आप याद रखिए, ट्रिक व्रिक ज़्यादा काम नहीं आता एग्जाम में, अगर आप एक भी ट्रिक मिस करते हैं बीच में से तो सारा खत्म हो जाएगा। मैप के अकॉर्डिंग याद रखिए, अब आप बच्चे नहीं है कि जो ट्रिक से याद रखिएगा, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे आप तो मैप की मदद से याद रखिए सब कुछ। इनमें से किन दो देशों की सीमा पर टिटिकाका झील है।
कौन से ऐसे दो देश है जिनकी सीमा पर टिटिकाका झील है, ये पूछा जा रहा है। तो है बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे, याद रखिएगा बोलीविया यहाँ पे सही उत्तर हो गया थर्ड, बोलीविया और पेरू। और ये जो है विश्व की सबसे ऊंची नौगमे झील है, सबसे ऊंची झील नहीं है, ये मत सोचना है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील है, ऐसा कुछ नहीं है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक नौगमे झील है, नौगमे झील किसे कहते हैं, जहाँ पे हम जहाज या नाव को चला सकते हैं उसे नौगमे झील कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ आप देखिए ये है पेरू, ये है बोलीविया और यहाँ पे बीच में है लेक टिटिकाका, याद रखिएगा। और लेक जुनिन जो है ये पूरी तरह से पेरू में है, याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो हाल ही में एक झील न्यूज में था काजिन सारा झील, तो अभी विश्व की सबसे ऊंची झील नहीं बनी है, याद रखिएगा, खबर में था लेकिन अभी बनी नहीं है ये, इसे पढ़ते हैं पहले। नेपाल में पर्वतों के बीच नई झील मिली है, ऐसा बताया जा रहा है यह झील दुनिया की सबसे ऊंची झील हो सकती है। दरअसल नेपाल के मनांग जिले में खोजी गई काजिन सारा झील को विश्व की सबसे ऊंची झील होने का तमगा हासिल हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है जब होगा तब याद रखेंगे, अभी हुआ नहीं है। फिलहाल दुनिया की सबसे ऊंची झील होने का खिताब तिलिचो झील के पास है, और तिलिचो झील जो है नेपाल के मनांग जिले में ही स्थित है, याद रखिएगा। तो अब सबसे ऊंची जो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, अभी तिलिचो झील है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न हमारा यहाँ पे भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील पूछी जा रही है। तो भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, यह चोलामू झील, सबको पता होगा। पूछा जा रहा है कि चोलामू झील जो है कौन से राज्य में है, तो चोलामू झील जो है सिक्किम राज्य में है, याद रखिएगा। ये देखिए सिक्किम का जो अंगूठे की तरह आकार है, ये मैप है सिक्किम का, और यहाँ पे आपको मिलेगा चोलामू झील, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए बगल में नेपाल है, नीचे हमारा वेस्ट बंगाल है, ऊपर में चाइना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है। तो सबसे ज्यादा कौन सी झील में लवणता है, ये पूछा जा रहा है। तो यह वॉन झील, याद रखिएगा। और वॉन झील जो है ये टर्की में है, जो तुर्की देश है वहीं पर है वॉन झील। यहाँ देखिए टर्की का मैप है और यहाँ पे वॉन झील, तो याद रखिएगा यहाँ पे ईरान का बॉर्डर है, तो ईरान और टर्की के बॉर्डर के पास ही है, तो पूरी तरह से ये टर्की में, लेकिन ईरान के बॉर्डर पास में, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ईरान का बॉर्डर है, पूरी तरह से ये टर्की में है, याद रखिएगा वॉन झील, और विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। अगला प्रश्न, पहले मैप पे देख लेते हैं टर्की का लोकेशन, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, अगर यहाँ से आप ईस्ट में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टर्की, यहीं पे है वॉन झील। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से किस देश के साथ विक्टोरिया झील की सीमा लगती है। तो विक्टोरिया झील के साथ कौन से देश की सीमा लगती है, पूछा जा रहा है। तो विक्टोरिया झील के साथ केन्या, युगांडा और तंजानिया, इन तीनों देश की सीमा लगती है, तो सही उत्तर क्या हो गया, फोर्थ, इनमें से सभी। ये देखिए लेक विक्टोरिया, यहाँ पे केन्या की सीमा लगती है, यहाँ पे युगांडा की सीमा लगती है, और यह तंजानिया की सीमा, तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे पहले देख लीजिए, जो दूर से अगर देखते हैं, जो पहले जूम्ड मैप था ना, थोड़ा दूर से देख लेते हैं। ये देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये, और यहाँ पे लेक विक्टोरिया, यहाँ पे युगांडा की सीमा लगती है, केन्या की लगती है, और तंजानिया की लगती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न इनमें से विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील पूछी जा रही है, ये है बैकाल झील, याद रखिएगा, जो कि रसिया में, रसिया का जो हिस्सा जिसे हम साइबेरिया कहते हैं वहीं पे बैकाल झील। आगे देख लेते हैं मैप में, यहाँ देखिए यह है रसिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है, और यहाँ पर है बैकाल झील, याद रखिएगा, मंगोलिया के ऊपर बैकाल झील है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अब यहाँ से काफ़ी जो प्रश्न होंगे वो भारतीय से रिलेटेड होंगे, यानी भारत के झीलों से रिलेटेड होंगे, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच है, तो पुलिकट झील का जो हिस्सा है वो दो राज्यों में है, एक तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ज़्यादा जो इसका भाग है आंध्र प्रदेश में है, और तमिलनाडु में ज़्यादा नहीं है, तमिलनाडु में थोड़ा सा ही, लेकिन ज़्यादा भाग जो है आंध्र प्रदेश में, लेकिन सही उत्तर क्या होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप है, जिस पर इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है, आपको पता हो यहाँ से हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, तो सतीश धवन जो स्पेस सेंटर कहाँ पे है, पुलिकट झील में ही है। आगे देखते हैं, यहाँ आप देखिए ये मिलेगा पुलिकट झील, तो यहाँ आप देखिए ऐसे करके यहाँ से तमिलनाडु का ये बॉर्डर है, याद रखिएगा, यहाँ तक तमिलनाडु का बॉर्डर हो गया, और यहाँ से आंध्र प्रदेश का बॉर्डर ऐसे करके, तो यहाँ पे जो दोनों के बॉर्डर पे जो है पुलिकट झील है, याद रखिएगा, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न है कौन से दो नदियों के डेल्टा के बीच कोलेरू झील स्थित है। तो कौन से दो नदियों के डेल्टा के बीच पूछा जा रहा है कोलेरू झील के बारे में, तो ये स्थित है कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा पर, याद रखिएगा, सही उत्तर क्या हो गया, कृष्णा और गोदावरी, सेकेंड उत्तर, सेकेंड ऑप्शन जो है सही उत्तर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न है इनमें से कौन सी झील महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र की झील पूछी जा रही है, तो पोवई झील,
लोनार झील और वेन्ना झील जो है ये सभी जो है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। और लोना झील जो है, लोनार झील एक क्रेटर झील है, क्रेटर झील का निर्माण होता है ज्वालामुखी के फटने के कारण। मान लो ज्वालामुखी पर्वत है ऐसे करके, तो जब इसका मुख जो है, ये जो इसका मुंह हो गया, ये जो उड़ जाता है, मतलब जब ज्वालामुखी फटता है तब जो इसका मुख जो है, ये जो ऐसे मान लो, एक बार और बताता हूँ, ये देखो ज्वालामुखी पर्वत ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे इसका मुंह हो गया। जब ये फटेगा तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसे करके ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे करके आकृति बन जाएगी। और मान लो इसमें जो वर्षा का जल भरेगा तो ये झील का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो है क्रेटर झील है, याद रखिएगा। क्रेटर झील कैसे बनता है, तो ज्वालामुखी के फटने के कारण बनता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है, तो यह राजस्थान में, याद रखिएगा। और ये भारत के सबसे ज़्यादा जो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। ये राजस्थान का मैप, राजस्थान में आपको सांभर लेक यहाँ पे मिलेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए पिचोला लेक है, यहाँ पे जय सामंद लेक, ये सारे राजस्थान में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पहले यहाँ पे देख लीजिए एक और मैप, काफ़ी शानदार मैप है, पूरा यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे राजस्थान में देखिए सांभर लेक, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी जो है वुलर लेक, यहाँ पे चिल्का लेक ओडिशा में, कोलेरी लेक जो है आंध्र प्रदेश में, पोलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो पूर्वोत्तर भारत का पूछा जा रहा है। भारत का तो आपको पता ही होगा वुलर झील है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत का पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकटक झील। सेकेंड ऑप्शन सही उत्तर है, लोकटक झील। आगे देखते हैं मैप के मदद से। ये देखिए हमारा पूरा भारत है, और इस भाग जो भारत का ये भाग है इसे हम बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत, और यहीं पे मणिपुर राज्य, और मणिपुर राज्य में ही लोकटक झील है, याद रखिएगा। और लोकटक झील पे ही कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो गोविंद सागर किस राज्य में है, तो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील पूछी जा रही भारत की, जो कि गोविंद सागर है, ये कौन से राज्य में है, तो यह हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। और मानव निर्मित झील कैसे होते हैं, मान लो एक नदी है, ठीक है, नदी बह के आ रही है ऐसे, मान लो इसका मुंह इधर है नदी का, ये बह के आ रही है, और बीच में हमने डैम बना दिया, यहाँ पे डैम बना दिया, दीवार बना के पानी को रोक दिया, और इस जो पानी जहाँ पे दीवार है तो पानी इस तरफ ही रुकेगी ना, यहाँ पे नदी इस तरफ जा रही है, तो दीवार के कारण यहाँ पे डैम बनाया हमने, तो पानी इस तरफ रुकेगी, तो ये पानी को हम झील बोलते हैं, याद रखिएगा। जहाँ पे पानी रुक जाता है उसे झील बोलते हैं। तो गोविंद सागर झील कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और एक कब बना था, जब भाखड़ा नांगल डैम था उसका निर्माण हुआ था, तभी गोविंद सागर जो है झील का निर्माण हुआ था। आगे देखते हैं मैप में, ये देखिए आपको पता होगा पंजाब और जो हिमाचल है इसी के आगे भाखड़ा नांगल डैम है यहाँ पे पंजाब में, और इसी के पीछे जो पानी रुका हुआ है वो गोविंद सागर झील है, याद रखिएगा। और गोविंद सागर झील इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो सिख के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्हीं के नाम पे इसका गोविंद सागर झील पड़ा है, याद रखिएगा इस झील का नाम। आगे देखते हैं एक गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, गोविंद वल्लभ पंत कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत जो थे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, तो इन्हीं के नाम पे इस झील का नाम रखा गया है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर है, याद रखिएगा। और ये रिहंद नदी पर है, रिहंद नदी के पानी रोककर हमने डैम बनाया था, तो उसी का जो पीछे का पानी रुक गया था, मान लो यहाँ पे डैम है और ये पानी यहाँ पे रुका है, तो इसी को गोविंद सागर झील बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका कुछ भाग यूपी में है, कुछ भाग छत्तीसगढ़ में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड किस राज्य में है, तो भारत की सबसे लंबी झील पूछी जा रही है, ना बड़ी पूछी जा रही है, ना छोटी पूछी जा रही है, ना चौड़ी पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है, भारत की सबसे लंबी, लंबी यानी लंबाई ज़्यादा इसका, ये लंबी झील पूछी जा रही है, तो वेम्बनाड झील जो है ये केरल में है, याद रखिएगा। और ये भी एक लैगून झील है, लेकिन केरल को लैगून, केरल में लैगून झीलों को हम क्या कहते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं कयाल, याद रखिएगा, कयाल कहा जाता है केरल में लैगून झीलों को। और जो वेम्बनाड झील है इसे अन्य झीलों में अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे वेम्बनाडु झील नाम से जाना जाता है अल्फूजा में, पुनमडा लेक जाना जाता है कुटनाड में, और कोची लेक के नाम से जाना जाता है कहाँ पे, कोची जिले में, ये भी याद रखिएगा। और वेम्बनाड झील है इसी पे आयोजित होता है जो बोट रेस, जिसे हम नेहरू बोट रेस कहते हैं, तो वेम्बनाड झील में ही नेहरू बोट रेस यहाँ पे आयोजित होता है, जो लंबी लंबी नाव होते हैं, यहाँ पे देखा होगा आपने फिल्म में, कौन सा फिल्म, बागी फिल्म देखा है आपने, जो विलन होता है जो श्रद्धा कपूर को पहली बार देखता है शायद वहाँ पर वो, या दूसरी बार देखता है,
तो वो जो बोट रेस करते रहता है, तो उसी की बात हो रही है। यहाँ पे लंबी सी नाव होती है और बहुत सारे लोग होते हैं और सारे लोग यहाँ पे नाव को चलाते हैं। तो यहाँ पे नेहरू बोट रेस फेमस है वेम्बनाड झील का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए वेम्बनाड झील है कहाँ पे, तो यह केरला, यहाँ पे केरला का हिस्सा है। यहाँ पे देखिए वेम्बनाड झील है, इसकी लंबाई देखिए कितनी लंबी सी है ये। और यहीं पे नीचे 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 देखिए कैमकुलम लेक है, यहाँ पे अष्टमुटी लेक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर स्थित भारत की झील पूछी जा रही है। तो चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील जो है ये पूर्वी तट पर है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पश्चिमी तट पर पूछा रहा है, तो पश्चिमी तट पर अष्टमुटी, यहाँ पे आपको केरला जो है पता होगा पश्चिमी तट पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए अष्टमुटी झील है, तो पश्चिमी तट पर कौन सा झील स्थित है? अष्टमुटी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए जो कुछ राज्य के जो जहाँ पे बहुत सारे झीलें हैं वहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ प्रश्न के रूप में नहीं, डायरेक्ट देख लेते हैं। डल झील जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। वुलर झील जम्मू कश्मीर में ही। मानसबल झील जम्मू कश्मीर में। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में। नागिन झील जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में। तो आपको पता होगा जितने भी नाग नागिन के नाम से जो झील मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। नैनीताल झील उत्तराखंड। राकसताल झील उत्तराखंड। मालताल झील उत्तराखंड। देवताल झील उत्तराखंड। नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड। खुरपताल झील उत्तराखंड। पंचपोखरी झील उत्तराखंड। और जो सारे ताल ताल लगे होते हैं कुछ एक दो ताल को छोड़कर, बाकी जो ताल वाले झील हैं वो उत्तराखंड में मिलेंगे, और कुछ जो एक दो ताल हैं वो आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में, उनको आप देख लीजिएगा एक बार। और यहाँ पे देखिए राजस्थान के जो महत्वपूर्ण झीलें हैं, सांभर झील, पिछोला झील, राजसमंद झील, लुकनसर झील, जैसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील है सारे राजस्थान में। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। और आपको लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। कुछ जगह मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, फंस जाता हूँ, लेकिन जो फैक्ट्स उसको काफ़ी अच्छे से क्लियर करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं? मैं सोच रहा हूँ अगला जो वीडियो हमारा राष्ट्रीय उद्यान पे हो, नेशनल पार्क पर। अगर आप नेशनल पार्क पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और इस वीडियो के बारे में बताइए आपके फैक्ट्स क्लियर हुए या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।